मायसेल्फ अभिषेक कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्पेस इलेक्ट्रिकल मशीन में हम स्टेपर मोटर को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने सारे स्टेपर मोटर्स के बारे में देख लिया है, और ये जो टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ वो है ड्राइव सर्किट्स के बारे में फॉर स्टेपर मोटर। अगर हम ड्राइव सर्किट के बारे में बात करते हैं, क्लियर, ड्राइव सर्किट्स, तो ड्राइव सर्किट्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक स्टेपर मोटर के लिए, ये जानना हमें जरूरी है। क्लियर, ड्राइव सर्किट का यूज क्या होता है आपको पता है कि प्रॉपर सीक्वेंस में आपको इनपुट सप्लाई देना जरूरी है, जिसकी वजह से आपका स्टेप एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में पूरा पूरा स्टेप वो रोटर मूव करे। क्लियर, तो अगर हम ड्राइव सर्किट फॉर स्टेपर मोटर की बात करें तो इसमें होता क्या है, ये क्या करता है, डीसी पावर सप्लाई को क्या करता है, ये आपको फेड कराता है वाइंडिंग में। क्लियर, तो डीसी पावर सप्लाई जो उस ड्राइव सर्किट के लिए होना चाहिए उसके लिए सबसे मेन कंसिडरेशन है कि वो हार्मोनिक फ्री होना चाहिए। क्लियर, तो पहला कंसिडरेशन यही होता है कि डीसी सप्लाई टू ड्राइव द सर्किट शुड बी हार्मोनिक फ्री। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इसको किसी तरह हार्मोनिक फ्री कर सके। क्लियर, ठीक है, शुड बी हार्मोनिक फ्री। क्लियर, हम फिल्टर यूज करें, हम कुछ थ्री फेज कंस्ट्रक्शन यूज करें जिसकी वजह से जो हाई ऑर्डर लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स है वो इजिली एलिमिनेट हो जाते हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो हार्मोनिक फ्री करने के लिए आप रिकमेंड, जो हमें रिकमेंडेशन होती है वो होती है थ्री फेज रेक्टिफायर की। अगर हम सिंगल फेज रेक्टिफायर यूज करते हैं तो वो उतने अच्छे तरीके से हार्मोनिक्स को फ्री नहीं कर पाता, वो फिल्टर आउट नहीं कर पाता। क्लियर, तो इसलिए आप सिंगल फेज रेक्टिफायर को रिकमेंड नहीं करते, सो सिंगल फेज रेक्टिफायर इज नॉट रिकमेंडेड, रेक्टिफायर इज नॉट रिकमेंडेड। क्लियर, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें थ्री फेज रेक्टिफायर यूज कर लें, या बैटरी का जो एक बैलेंस सर्किट है वो हमें थ्री फेज सीक्वेंस में बना सकें। क्लियर, थ्री फेज रेक्टिफायर यूज कर लें, रेक्टिफायर और बैटरीज थ्री फेज सीक्वेंस में हम यूज करें ताकि हमें प्रॉपर सीक्वेंस मिल सके। ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हार्मोनिक फ्री होने के लिए आपका जो सिंगल फेज रेक्टिफायर है वो जनरली हम प्रीफर नहीं करते हैं, हालांकि कुछ जगह प्रीफर भी कर लेते हैं लेकिन हम जनरली प्रीफर नहीं करते हैं। अगर आपको हार्मोनिक फ्री आउटपुट चाहिए, हार्मोनिक फ्री आउटपुट क्यों हम चाहते हैं, क्योंकि हमें ऑप्टिमम आउटपुट चाहिए होता है, ऑप्टिमम आउटपुट के लिए हार्मोनिक्स को फिल्टर आउट करना जरूरी होता है, तो हम थ्री फेज रेक्टिफायर या बैटरी सिस्टम यूज कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है, मेन चीज क्या है यहाँ पे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। अभी भी अगर आप मोटर यूज करते हैं तो मोटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपको क्या चाहिए, आउटपुट ऑप्टिमम चाहिए, फॉर ऑप्टिमम आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट की अगर मैं बात करता हूं तो ऑब्वियस ही बात है कि मोटर में जो टॉर्क डेवलप होता है वही आपका आउटपुट होता है। क्लियर, मैकेनिकल आउटपुट जो आपको मिल रहा है यानी ऑप्टिमम आउटपुट टॉर्क चाहिए, और ऑप्टिमम आउटपुट टॉर्क होने के लिए जो ड्राइव सर्किट के फीचर्स हैं, ड्राइव सर्किट्स मस्ट हैव फॉलोइंग फीचर्स, मस्ट हैव फॉलोइंग फीचर्स, और वो फीचर्स क्या क्या होने चाहिए वो देखते हैं हम। क्लियर, हमें क्या चाहिए, ऑप्टिमम आउटपुट चाहिए, बस हमारे जहन में यही है कि हम किसी तरह आपको आउटपुट मैक्सिमम दे सके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यही चीज हमें समझना है। क्लियर, तो आप ऑप्टिमम आउटपुट तभी पा सकते हैं जब आपका जो सिंकिंग प्रोसेस है यानी एक एक से सप्लाई डिटैच होना, दूसरे फेज सीक्वेंस पे सप्लाई जाना, ये प्रोसेस काफी फ्रिक्वेंट होना चाहिए। यानी अगर मैं बात करूं यहां पे तो हमारे पास दो प्रोसेस है, एक आपका टर्न ऑन प्रोसेस, ड्यूरिंग टर्न ऑन प्रोसेस
क्लियर। और दूसरा क्या है आपका, ड्यूरिंग टर्न ऑफ प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस आपके क्या होने चाहिए, काफी फास्ट होने चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, एक प्रॉपर सीक्वेंस मिल सके। तो टर्न ऑन प्रोसेस के दौरान क्या चाहिए आपका, कि जो आपका फेज करंट है, फेज करंट का मतलब क्या हो गया, फेज करंट जो वाइंडिंग में फ्लो हो रहा है, ठीक है, आपने जो स्टेटर वाइंडिंग लगा रखा है उस पर जो फेज करंट फ्लो हो रहा है, शुड राइज अप टू डिजायर्ड लेवल। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि हमें करंट को इतना करंट पे आपका स्टेप या मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज की कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो टेंजेंट नेचर शुरुआत में ऑब्वियस ही बात है आपको जो भी फील्ड मिलता है वो टेंजेंट नेचर में होता है, तो उस टेंजेंट नेचर से एक स्टेडी स्टेट आने में जो समय लगता है वो काफी कम लगे, हमारी यही रिक्वायरमेंट होती है, डिजायर लेवल इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, कम से कम समय में ये चीज हो जाए, क्लियर, टाइम काफी कम लगे, यही हमारी सबसे मेन कंसिडरेशन होती है। ऐसे ही आपका ड्यूरिंग टर्न ऑन टर्न ऑफ प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, तो ड्यूरिंग टर्न ऑफ प्रोसेस आपका यही चीज होना चाहिए कि अगर करंट फोर्स टू डीके टू जीरो हो रहा है तो वो क्या हो, कम से कम समय में वो जीरो के बराबर हो जाए, यानी वाइंडिंग करंट या पेज वाइंडिंग करंट, वाइंडिंग करंट फोर्स टू डीके टू जीरो वैल्यू। ऑब्वियस बात, आप क्या चाहते हैं, एक जगह से एक्साइटेशन हटाना है, दूसरी जगह पे एक्साइटेशन ले जाना है, तो क्या होना चाहिए, फोर्स टू डीके टू जीरो वैल्यू इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, क्लियर। अब क्या होना चाहिए, कम से कम समय में ये भी आपका जीरो हो जाए, क्लियर, ठीक है, इन शॉर्ट ड्यूरेशन। ये दोनों चीजें आप चाहते हो कि हो, चाहे वो टर्न ऑन का प्रोसेस हो चाहे वो टर्न ऑफ का प्रोसेस हो, ये दोनों प्रोसेस फ्रिक्वेंट होने चाहिए, यही हमारा मेन कंसिडरेशन होता है और इसी की वजह से हमें मैक्सिमम आउटपुट टॉर्क मिलता है, क्लियर। अब हम बात करते हैं चॉइस ऑफ ड्राइव सर्किट की, कि अगर हमें ड्राइव सर्किट को चॉइस करना है तो किन किन चीजों पर यह डिपेंड करता, चॉइस ऑफ ड्राइव सर्किट, क्लियर, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसके लिए। पहली रिक्वायरमेंट तो स्टेप एंगल आपने कितना लेना है, आप जो स्टेप चाहिए आपको वो स्टेप कितना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट पावर रेटिंग मशीन की कितनी है, क्लियर, उस हिसाब से आपको ड्राइवर्स चाहिए, ड्राइव सर्किट चाहिए, पावर रेटिंग ऑफ मशीन। और थर्ड रिक्वायरमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है वो होता है कि आपको फीडबैक चाहिए कि नहीं चाहिए, क्लियर, आपने फीडबैक चाहिए कि नहीं चाहिए, क्लियर। तो एक्चुअली क्या होता है, स्टेपर मोटर जो होता है वो ओपन लूप सिस्टम होता है, तो यहाँ पे हम फीडबैक की बात नहीं करेंगे, फीडबैक जब हम ब्रशलेस डीसी मोटर का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वहां पे आपका फीडबैक का कॉन्सेप्ट आएगा, एक फीडबैक कंट्रोल, एक क्लोज लूप सिस्टम आपका वहां पे शो होगा, क्योंकि स्टेपर मोटर एक ओपन लूप सिस्टम होता है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं लेकिन हाई लेवल ऑफ पावर एप्लीकेशन पे, जब आपको रिलेटिवली हाई पावर रेटिंग के लिए वो चाहिए होगा उस कंडीशन में हम इसे यूज करते हैं, क्लियर। तो आपने क्या देखा कि दूसरा क्या था आपका, पावर रेटिंग ऑफ मशीन, और थर्ड वन है आपका जो एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड इन वाइंडिंग इंडक्टेंस। वाइंडिंग इंडक्टेंस की बात क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि इंडक्टेंस काफी हाई होता है, जो भी आप कॉइल यूज करेंगे हाई इंडक्टेंस कॉइल यूज करेंगे ताकि प्रॉपर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज हो जाए, क्लियर। आप जो एनर्जी स्टोर हुआ है वाइंडिंग इंडक्टेंस में, उस एनर्जी को क्या आप एक क्लोज लूप के थ्रू सप्लाई पे फीडबैक देना चाहते हैं, क्लियर, यानी फीडबैक टू सप्लाई, क्या ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये रिलेटिवली हाई पावर एप्लीकेशन के लिए ऐसा हम यूज करते हैं ताकि हमें एक बैलेंस सिस्टम मिल जाए, और नॉट फीडबैक टू पावर सप्लाई यानी ओपन लूप सिस्टम की तरह आप यूज करना चाहते हैं, ये दो कंडीशन होती है। ये आपका क्या है, एक क्लोज लूप सिस्टम की तरह बिहेव करेगा जैसा हम ब्रशलेस डीसी के कंडीशन में देखेंगे, हालांकि स्टेपर मोटर में भी
एक आध जगह ये यूज हो रहा है हाई पावर एप्लीकेशन में, ठीक है, और नॉट फीडबैक यानी ओपन लूप सिस्टम की तरह आप यूज करेंगे इसको। दो चीजें हैं यहाँ पे, क्लियर। तो जो आपकी चॉइस है वो चॉइस इन चीजों पे डिपेंड करती है। अब हम देखेंगे कि कितने तरह का हम नॉर्मली जो एक सिंपल ड्राइव सर्किट होता है वो क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक्चुअली ये दो तरह के होते हैं ड्राइव सर्किट, एक आपका यूनिपोलर होता है, एक आपका बाइपोलर होता है। तो दोनों को हम बारी बारी से देखेंगे, कहाँ हमें बाइपोलर की रिक्वायरमेंट है, कहाँ हमें यूनिपोलर की रिक्वायरमेंट है, वो भी हम देखेंगे, क्लियर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक है आपका सिंपल ड्राइव सर्किट। सिंपल ड्राइव सर्किट्स, सिंपल ड्राइव सर्किट दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है यूनिपोलर ड्राइव सर्किट, और दूसरा होता है बाइपोलर ड्राइव सर्किट। यूनिपोलर ड्राइव सर्किट को जनरली हम वीआरएसएम में यूज करते हैं, वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर के लिए, और बाइपोलर हम पीएम एज वेल एज एसएसएम दोनों में यूज करते हैं। क्यों करते हैं वो बारी बारी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिपोलर ड्राइव सर्किट फॉर वीआरएसएम। वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर के लिए यूनिपोलर ड्राइव सर्किट क्या होता है उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं, क्लियर, ठीक है। तो यूनिपोलर ड्राइव सर्किट फॉर वीआरएसएम, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपका एक यूनिपोलर ड्राइव सर्किट है वीआरएसएम के लिए। दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर यूनिपोलर ड्राइव सर्किट। और ऑब्वियस सी बात है, यहां पे आप कितने फेज देख रहे हैं, फेज ए, क्लियर। यहां पे देखिए फेज ए, फेज बी, फेज सी, फेज डी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होगा आपका, ये एक फोर पोल वीआरएसएम, फोर फेज वीआरएसएम होगा। तो ये एक हमने सर्किट डायग्राम लिया हुआ है फॉर फोर फेज वीआरएसएम के लिए, हमने यूनिपोलर ड्राइव सर्किट यूज किया हुआ है। यूनिपोलर ड्राइव सर्किट यूज करने का मतलब क्या होता है कि यहां पे एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो मिले। एक्चुअली होता क्या है, आप यूनिपोलर ड्राइव सर्किट क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज यूनिपोलर, के पीछे का सबसे सिंपल लॉजिक है वीआरएसएम में जो आपको स्टेप मिलता है वो ड्यू टू मिनिमम, ड्यू टू वेरिएबल रिलक्टेंस नेचर की वजह से मिलता है, क्लियर। और अगर हम बात करें यहां पे कि आपका जो टॉर्क डेवलप होता है, हमने फॉर्मूले में भी देखा था जो आपको टॉर्क आ रहा था, रिलक्टेंस टॉर्क जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, हाफ I square dl by d theta के बराबर, ये हमने देखा भी था। तो यहां पे एक तरह से टॉर्क क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I square, यानी करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। जब ये करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उससे कोई लेना देना नहीं होगा, यानी एक तरह से फॉर डेवलपिंग अ टॉर्क डायरेक्शन ऑफ करंट हैज नो इंपॉर्टेंस, क्लियर। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट हैज नो इंपॉर्टेंस, नॉट एनी इंपॉर्टेंस, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा डायरेक्शन ऑफ करंट का, ठीक
कि उस डायरेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, जबकि परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता। क्लियर? यहां पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आई की वैल्यू निगेटिव भी होती है तो आई स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। आई स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो जो भी टॉर्क डेवलप होगा, जो भी इलेक्ट्रिकल आउटपुट टॉर्क मिलेगा आपको रिलक्टेंस टॉर्क के टर्म में, उसमें करंट के डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। तो इसलिए हम यहां पे यूनिपोलर ड्राइव सर्किट ही यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन बस यही है, यूनिपोलर ड्राइव सर्किट यूज करने का, क्योंकि करंट हैज नो इंपॉर्टेंस टू ऑब्टेन द आउटपुट टॉर्क, बिकॉज आउटपुट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। क्लियर? जबकि परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं होता, वहां पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता। क्लियर? तो इस वजह से अब यहां पे क्या होगा, हम कैसे कंट्रोलिंग करते हैं ये चीज देखो। यहां पे होता क्या है, यहां पे ये होता है कि जो आपका डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट है, क्लियर, ये क्या करेगा, ये एक सिग्नल जनरेट करेगा ताकि आपकी ये जो ट्रांजिस्टर, ये जो स्विच आपने यूज किए हुए हैं, फोर स्विचेस हमने यूज किए हुए हैं, इन फोर स्विचेस को क्या करेगा, ये ऑन करेगा। क्लियर? ऑब्वियस बात है, ये आपने डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट लगा रखा है, जो माइक्रोप्रोसेसर यूज किया है, वो क्या करेगा, प्रॉपर सीक्वेंस में आपको हर एक ट्रांजिस्टर को सिग्नल प्रोवाइड करेगा। अगर मैं मानू कि ये ट्रांजिस्टर 1, T1, T2, T3 एंड T4 है, क्लियर, तो इसको स्विच ऑन करेगा तभी तो ये सर्किट कंप्लीट होगी। क्लियर? इस पूरी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ट्रांजिस्टर का ऑन होना जरूरी है, और उसको ऑन करेगा डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड आपने जो भी सर्किट डिजाइन किया हुआ। तो यहां पे क्या होता है आपका कि डिजिटल आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रोप्रोसेसर, जो भी आप यहां पे यूज कर रहे हैं, क्लियर, ये क्या करेंगे, ये एक सिग्नल जनरेट करेंगे, जनरेट अ सिग्नल। क्यों सिग्नल जनरेट करेंगे, ठीक है, क्यों सिग्नल जनरेट करेंगे, टू ऑपरेट द स्विचेज। ठीक है, तो ये सिग्नल जनरेट करेंगे एक प्रॉपर सीक्वेंस के लिए, यानी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है एट रिक्वायर्ड इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे आपको जिस सिग्नल को, जिस ट्रांजिस्टर को आपको ऑन करना है, उस इंस्टेंट पे आप प्रोग्राम बेस्ड पे इनपुट दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही ये सिग्नल एक रिक्वायर्ड लेवल पे, एक रिक्वायर्ड इंस्टेंट पे सिग्नल जनरेट होगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो टर्न ऑन हो जाएगा, क्योंकि वो आप सिग्नल क्यों दे रहे हैं, ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज अप्लाइड टू द ट्रांजिस्टर। क्लियर, आपने ट्रांजिस्टर पे इसको अप्लाई कर दिया, यानी ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा, ऑन और ऑफ, क्योंकि ट्रांजिस्टर क्या होता है, कंट्रोलेबल स्विच होता है, और ये कंट्रोलेबल ऑन भी हो सकता है, कंट्रोलेबल ऑफ भी हो सकता है। यहां पे कोई फोर्सफुली आपको एक्सटर्नल सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप इसको टर्न ऑफ करें या टर्न ऑन करें। क्लियर, तो आप क्या करेंगे, ये ट्रांजिस्टर को अप्लाई करेंगे ऑन कंडीशन के लिए या फॉर टर्निंग ऑन। जैसे ही आपने इसको ट्रांजिस्टर पे अप्लाई किया टर्न ऑन करने के लिए, अब क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस में ए बी सी और डी सबको एनर्जी मिलती जाएगी। क्लियर, सबको क्या मिलता जाएगा, एनर्जी मिलती जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही आपने टर्न ऑन किया इन दिस मैनर, इस तरह से क्या होगा, आपका फेज, जो भी आपके चारों फेजेज हैं, फेज क्या क्या है, फेज ए बी सी एंड डी, क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और एक्साइटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपको चाहिए उस सीक्वेंस में आप एक्साइटेशन प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको क्या मिले, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन मिले। ये ऑलरेडी हमने वीआरएसएम में देखा हुआ है कि आपको जिस सीक्वेंस में एक्साइटेशन आप प्रोवाइड करेंगे, उसी हिसाब से आपको रोटर मूव करता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, चाहे वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर, तो यहां पे आपने ये चीज किया। अब देखो यहां पे अगर सर्किट पे तुम गौर करोगे, अगर सर्किट पे तुम गौर करोगे,
अगर तुम सर्किट पे गौर करो, यहां पे देखो, यहां पे एक आरएफ रेजिस्टेंस अगर तुम गौर करोगे यहां पे, तो देखो यहां पे ए फेज के साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड किया हुआ है। क्लियर? ऐसा क्यों किया गया है, उसके पीछे भी रीजन है। आपको पता है कि फेज वाइंडिंग हैज वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। क्लियर? इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है? काफी हाई होती है। क्लियर? तो इंडक्टेंस की वैल्यू जब हाई होती है, ये सिंपल एक आरएल सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे आरएफ इंसर्ट करने से क्या होगा, आपका जो टाइम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर? अगर मान लो, मैं मानू कि ये जो क्वायल है उसका इंडक्टेंस एल है और रेजिस्टेंस स्मॉल आर, तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होगी, टाउ एल अपॉन आर के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही हम एक एक्सटर्नल रजिस्टर एंड एक्सटर्नल रजिस्टर इज इंसर्टेड इन सीरीज विद इंडक्टेंस या वाइंडिंग, इन सीरीज विद वाइंडिंग, वाइंडिंग के सीरीज में हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल रजिस्टर इंसर्ट किया, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब जो टाइम कांस्टेंट आपको मिलेगा टाउ डैश, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एल अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल एफ आर एफ के बराबर। यहां पे जो हमने रजिस्टर इंसर्ट किया हुआ है उसकी वैल्यू कैपिटल आर एफ है। क्लियर? तो अब ये क्या कर रहा है, टाइम कांस्टेंट को रिड्यूस कर दे, टाइम कांस्टेंट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जा रही है। टाइम कांस्टेंट क्यों रिड्यूस करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हम यहां पे देखें टाइम कॉन्स्टेंट क्यों रिड्यूस करना चाहते हैं, उसका लॉजिक मैं बता रहा हूं। अगर मैं यहां पे देखूं तो जनरली सिग्नल के लिए अगर आरएल सीरीज सर्किट है तो इसके लिए ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, यही होता है एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप। अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं तो अगर हम करंट का बिहेवियर चेक करते हैं तो ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ है। क्लियर? ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ आने का मतलब यह हो गया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिले, ठीक है, कर्व क्या मिलेगा आपको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मान लो ये टाउ के लिए है, ठीक है, अगर मैं आरएफ इंसर्ट कर दे रहा हूं तो टाउ डैश के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होगा, और जल्दी ये सेटल डाउन हो जाएगा, ये यहां पे सेटल डाउन हो जा रहा है और ये कहां सेटल डाउन हो जा रहा है, यहां पे सेटल डाउन हो जा रहा है, ये टाउ डैश के लिए होगा। यानी टाउ डैश की वैल्यू आपने रिड्यूस करी तो ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, यानी अगर मैं देखूं एक्सपोनेंशियल डीके की, तो ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, टाउ की वैल्यू आपने रिड्यूस करी, यानी ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया, जो एक्सपोनेंशियल पर पावर नेगेटिव पावर है उसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, बढ़ गई। टाउ रिड्यूस हुआ तो एक्सपोनेंशियल पर जो नेगेटिव पावर है उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि और तेजी से ये वैल्यू रिड्यूस होते हुए दिखाई देगी, यानी सेटल डाउन और जल्दी होगा। आप यही चाहते भी हैं कि आपका टर्न ऑन प्रोसेस और टर्न ऑफ प्रोसेस काफी फ्रिक्वेंट हो, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ प्रोसेस जो है वो काफी फ्रिक्वेंट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, इसकी वजह से, यह चीज होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ दोनों प्रोसेस काफी फ्रिक्वेंट होंगे, काफी तेजी से होंगे। क्लियर? शॉर्ट टाइम रिक्वायर्ड। क्लियर? काफी कम समय में आपके टर्न ऑन टर्न ऑफ प्रोसेस हो जाएंगे क्योंकि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू रिड्यूस हो। क्लियर? तो इस वजह से हम ये चाहते हैं कि टाइम कांस्टेंट को हम रिड्यूस कर दें, इसीलिए हम उसको एक एक्सटर्नल रजिस्टर इंसर्ट करते हैं। ये जो एक्सटर्नल रजिस्टर इंसर्ट होता है इसको हम बोलते हैं कॉल्ड एज फोर्सिंग रजिस्टेंस, क्योंकि हम फोर्स कर रहे हैं, कॉल्ड एज फोर्सिंग रजिस्टेंस, क्योंकि हम फोर्स कर रहे हैं सर्किट को कि ये कम से कम समय ले, चाहे वो टर्न ऑन प्रोसेस हो चाहे वो टर्न ऑफ प्रोसेस हो। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि आरएफ का रोल क्या है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी होता है। ड्रॉबैक क्या होगा,
मेन ड्रॉबैक क्या होगा, एक रजिस्टर सर्किट में आ जा रहा है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, क्योंकि पावर लॉस होगा, एफिशिएंसी इज डिक्रीजेस। क्लियर, जो भी मशीन की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज कर जाएगी। हालांकि मैंने आपको बताया था कि स्टेपर मोटर में एफिशिएंसी का उतना ज्यादा रोल नहीं होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, लेकिन बस यही एक ड्रॉबैक है कि एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाएगी ड्यू टू द पावर लॉस इन फोर्सिंग रेजिस्टेंस। तो आपको फोर्स रेजिस्टेंस के बारे में क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं, आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे कि फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ भी एक रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ, ठीक है। अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें तो फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ, यानी जो आपका फ्री व्हीलिंग डायोड का क्यों लगाते हैं हम लोग, ताकि हमें कॉन्टिन्यूस कंडक्शन मोड मिल सके, इसीलिए हम रिवर्स में फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं। आप पॉलिटॉनिक्स जब पढ़ेंगे वहां पे काफी अच्छे से बताया जाएगा आपको कि कॉन्टिन्यूस कंडक्शन मोड क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस कंडक्शन मोड वगैरह क्या होते हैं। तो फ्री व्हीलिंग डायोड के सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस अटैच करते हैं, क्लियर, यानी रेजिस्टेंस और रेजिस्टर आरडी इज इंसर्टेड इन सीरीज विद फ्री व्हीलिंग डायोड। ऐसा हम क्यों करते हैं, उसके पीछे भी लॉजिक है कि जो इंडक्टेंस में एनर्जी स्टोर हुआ हुआ, क्योंकि हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस है तो हाई वैल्यू ऑफ एनर्जी भी स्टोर हो सकती है, जिसकी वजह से हीटिंग वगैरह की समस्या भी हो सकती है। तो इस हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस में जो भी एनर्जी स्टोर हो रही है, उस एनर्जी को हम क्या करें, डिसिपेट कर सकें, क्लियर, टू डिसिपेट द एनर्जी स्टोर्ड इन फेज वाइंडिंग इंडक्टेंस। क्लियर, आपका जो फेज वाइंडिंग इंडक्टेंस है उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम डिसिपेट कर सके, ताकि एक आपको स्मूथ ऑपरेशन परमानेंटली मिल सके। क्लियर, ठीक है, तो ये चीज हम करते हैं। अभी मैंने बताया था आपको क्लोज लूप के लॉजिक के बारे में, तो ऐसा यहां भी होता है कि फॉर अ रिलेटिवली हाई पावर एप्लीकेशन, ठीक है, हाई पावर एप्लीकेशन के लिए, फॉर रिलेटिवली हाई पावर एप्लीकेशन, जहां पे पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है, वहां पे आप क्या करते हो कि ये जो मैंने लॉजिक बताया था कि एनर्जी फेड बैक टू द सप्लाई, ठीक है, जो एनर्जी स्टोर्ड है इंडक्टेंस में, इंडक्टेंस किसका इंडक्टेंस, फेज वाइंडिंग का इंडक्टेंस, इज फेड बैक टू द सप्लाई। ये भी हम करते, क्लियर, ये हाई पावर एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि वहां पे पावर की रिक्वायरमेंट वगैरह ज्यादा हो जाती है। लेकिन लो पावर एप्लीकेशन पे हम यही काम करते हैं कि फ्री व्हीलिंग डायोड के सीरीज में एक रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं आरडी, जो कि जिसके थ्रू डिसिपेट हो जाता है जो भी एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टेंस कॉइल में। क्लियर, तो ये आपका है यूनिपोलर ड्राइव सर्किट। अब हम बात करेंगे बाइपोलर ड्राइव सर्किट की। तो बाइपोलर ड्राइव सर्किट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, और कहां यूज होता है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर, तो देखते हैं बाइपोलर ड्राइव सर्किट। बाइपोलर ड्राइव सर्किट, ऑब्वियस सी बात है, ये जो बाइपोलर ड्राइव सर्किट है ये यूज किसके लिए होता है, फॉर परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर एज वेल एज एचएसएम हाइब्रिड स्टेपर मोटर, जहां पे आपका दोनों का लॉजिक होता है, यानी परमानेंट मैग्नेट अगर आ गया, अगर मोटर में, यानी परमानेंट मैग्नेट फील्ड का नेचर आ गया, तो उस कंडीशन में आपको बाइपोलर ड्राइव सर्किट ही यूज करना। फिर से वही क्वेश्चन रेज होता है, व्हाई वी यूज बाइपोलर ड्राइव सर्किट ही हम क्यों यूज करते हैं। क्लियर, तो बाइपोलर ड्राइव सर्किट यूज करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, जो आपका परमानेंट मैग्नेट टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर ना होकर करंट के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि यहाँ म्यूचुअल इफेक्ट पे ये काम करता है. स्टेटर एमएमएफ इनटू रोटर एमएमएफ इनटू एंगल साइन थीटा, ये ऑलरेडी आपने टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था, वहां पे हमने ये डिस्कस किया हुआ था. यानी कहने का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, क्लियर, डायरेक्शन ऑफ रोटर किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, ऑब्वियस बात है कि टॉर्क की वजह से आपको रोटेशन मिलता है, डिपेंड ऑन, और टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, करंट डायरेक्शन. यानी जो फेज वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्शन पे वो डिपेंड करता है. क्लियर. तो आप क्या चाहते हैं, आप तो चाहते हैं कि एक ही डायरेक्शन में रोटेशन आपको मिलता रहे. क्लियर. इसीलिए आपने देखा होगा परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर में या फिर हाइब्रिड स्टेपर मोटर में हम क्या करते थे, एक सैलियंट पोल पे प्लस ए पोलैरिटी था, दूसरे पे क्या था आपका माइनस ए पोलैरिटी था. यानी जब हम माइनस ए वाले पे आते थे हम अपोजिट पोलैरिटी के साथ पावर सप्लाई देते थे. क्लियर. ठीक है, अगर आपको याद हो. क्लियर. ये हमारा अगर प्लस ए था यानी ए डैश ए, और ये हमारा क्या होता था, ए डैश यानी माइनस ए पोलैरिटी. क्लियर. ठीक है, तो हमें यहां पे क्या देना होता था, पॉजिटिव सप्लाई देनी दिया यहां पे निगेटिव हो जाता था. जैसे ही हम मूव करके यहां पे आते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, अब पोलैरिटी जस्ट अपोजिट करनी पड़ती थी. किसके लिए, ताकि आपको एक डायरेक्शन में रोटेशन मिल सके. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन अगर चाहिए आपको तो उस डायरेक्शन में रोटेशन मिल सके. यानी हमें एक्साइटेशन जस्ट अपोजिट करना होता था. तो जब आपको ये रोटेशन चाहिए तो ऑब्वियस ही बात है कि यूनि डायरेक्शन से तो ऐसा पॉसिबल होने से रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बाइपोलर सर्किट यूज करना पड़ेगा. सो फॉर रोटेशन इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में रोटेशन के लिए. क्लियर. क्योंकि लॉजिक उसका वही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का क्रिएट होना. ठीक है, अगर हमने इस पे सप्लाई दिया था तो ये नॉर्थ और साउथ क्रिएट हो रहा था, फिर हम जस्ट अपोजिट पोलैरिटी के साथ सप्लाई दे रहे थे तो ये नॉर्थ और ये साउथ क्रिएट हो रहा था. तो ये लॉजिक आपका बनता जा रहा था, अगर आपको याद हो तो. क्लियर. सो फॉर रोटेशन इन वन डायरेक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, बाइपोलर करंट की जरूरत पड़ेगी. तो बाइपोलर करंट इज एसेंशियल, ये आपके लिए एकदम जरूरी हो जाएगा कि आपको बाइपोलर नेचर का करंट चाहिए ही चाहिए. अब बाइपोलर करंट का नेचर आपको मिले, ये कब मिल सकता है, जब आपको पास एक बाइपोलर सर्किट हो. हेंस वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ बाइपोलर सर्किट, इसीलिए हमें बाइपोलर सर्किट की रिक्वायरमेंट होती. क्लियर. तो ये चीज आपको समझना जरूरी था, जबकि आपका वीआरएसएम में ऐसा कुछ नहीं है, वो मिनिमम रिएक्टेंस वाले कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है. वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे आपने बस एक्साइटेशन का एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए जो कि आप इंटीग्रेटर सर्किट या माइक्रोप्रोसेसर के थ्रू कर रहे हैं. क्लियर. लेकिन यहां पे आपको बाईडायरेक्शनल सर्किट चाहिए ही चाहिए. क्लियर. इसीलिए हम क्या करते हैं यहां पे, हेंस वी यूज सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर, फुल ब्रिज डीसी टू एसी कन्वर्ट, जिसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं, आपको पता भी होगा. क्लियर. तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है. क्लियर. तो ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से कि हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है. ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, इसका स्विचिंग पैटर्न कैसे वर्क करता है. ये हालांकि आप लोग उसमें पढ़ रहे होंगे थायरिस्टर में, सॉरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे. ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखते हैं हम लोग. क्लियर. तो यहां पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये चीज हो रही है, क्यों ये बाईडायरेक्शनल की तरह बिहेव कर रहा है. ठीक है, तो सिंगल फेज हम फुल ब्रिज डीसी टू एसी कन्वर्टर यूज करते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, फोर स्विचेज यूज कर रहे हैं हम लोग. ये स्विचेज आपके ट्रांजिस्टर भी हो सकता है.
क्लियर। और आपका थायरिस्टर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका करंट जो करंट रेटेड करंट की रिक्वायरमेंट है वो क्या है। क्लियर, उसके बेसिस पे आपका ये दोनों हो सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये आपका फुली कंट्रोलेबल होता है, ये आपका फुली कंट्रोलेबल है, जबकि आपको थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए एक्सटर्नल सर्किट की रिक्वायरमेंट हो जाती है। ये क्या होता है, आपका सेमी कंट्रोल्ड होता है। क्लियर, तो इन इन स्विचेस में से हमें कौन सा स्विच यूज करना है किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी। आपकी करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी क्या है स्विच की, उस पे डिपेंड करेगा, यानी करंट रेटिंग पे डिपेंड करेगा। क्लियर, ठीक है, तो ये चीज होती है यहां पे। अगर हम बात करेंगे यहां पे कि कैसे हमारा ये वर्कआउट होता है, तो उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो मैंने थायरिस्टर, देखो यहां पे एक साथ दो स्विचेज ऑन होंगे, अगर थायरिस्टर वन ऑन हो रहा है, थायरिस्टर टू ऑन हो रहा है, तो आपका जो सर्किट का पैटर्न बनेगा, यानी करंट का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, ऐसे ये सर्किट का फ्लो आपको बनेगा, ये पूरी पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। यानी ये करंट का फ्लो क्या हो रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये सर्किट पूरी कंप्लीट हो गई। एक पोलैरिटी तो ये मिल गई, अगर हम दूसरी तरफ जाएं, क्लियर, तो हमें दूसरी पोलैरिटी भी मिल सकती है। वो कैसे, अगर आपका थायरिस्टर थ्री ऑन हुआ और थायरिस्टर फोर ऑन हुआ, एक साथ दो ही स्विच ऑन हो सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। वैसे इसको कंट्रोल करने के लिए वही काम करेंगे हम, डिजिटल आईसी या माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू हम इसमें कंट्रोलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पे देखो ये जो पैटर्न बनेगा, यहां से सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हुआ और ये सर्किट आपकी पूरी पूरी ऐसे कंप्लीट हो गई। यानी करंट का फ्लो क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी अब ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा और ये लोअर पोटेंशियल हो जाएगा, यानी करंट की पोलैरिटी को आपने स्विचिंग पैटर्न के बेसिस पे चेंज किया। क्लियर, यानी अगर आप ए पे पॉजिटिव पोलैरिटी दे रहे हैं तो टी वन, और जैसे मान लो अगर मैं ए को लूं तो ए पे आप टी वन और टी टू को ट्रिगर्ड करेंगे, और जैसे ही आप ए डैश पे आएंगे आपका ट्रिगरिंग फेज क्या हो जाएगा, टी थ्री और टी फोर हो जाएगा, ताकि अपोजिट पोलैरिटी का सिक्वेंस आपका बन सके और एक सिंगल डायरेक्शन में रोटेशन आपको मिल सके। क्लियर, तो इस तरह से हम कंट्रोल करते हैं बाइपोलर ड्राइव सर्किट में। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे यूनिपोलर ड्राइव सर्किट वर्क करता है, कैसे आपका बाइपोलर ड्राइव सर्किट वर्क करता है, क्यों हम यूनिपोलर या बाइपोलर यूज करते हैं फॉर वीआरएसएम एचएसएम एंड पीएमएसएम। ठीक है, तो ये सारे लॉजिक आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।